दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो वीकली स्टॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिन स्टॉक्स में आगे अच्छी मोमेंटम आ सकती है और एक अच्छे सपोर्ट लेवल से स्टॉक्स में यहाँ पे एक अच्छी बाइंग यहाँ पे इस स्टॉक्स में आ रही है। तो जो स्टॉक्स अपने मल्टीपल सपोर्ट ले चुका है, वहाँ से एक अच्छी बाइंग आ रही है और वहाँ से हम एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देख सकते हैं और आगे एक लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स हमारे लिए अच्छे पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो हम यहाँ पे आगे बहुत ही अच्छे टारगेट इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। दो स्टॉक्स में हर टाइम दो वीकली ब्रेकआउट स्टॉक देख हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और उन स्टॉक्स में क्या लेवल रहेगा हमारा और किस टॉपिक के ऊपर हमें ये वीडियो लेके आए। तो मैं थोड़ा आपको चार्ट के ऊपर स्टडी करूंगा अभी इस वीडियो में कि चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों चार्ट को हम स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर टाइम ब्रेकआउट ही मिले। ब्रेकआउट के ऊपर भी हमें ट्रेड कर सकते हैं या उसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमें आज दो स्टॉक्स मुझे बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे दिखे और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई है। यहाँ पे बड़े FIs DIs जो स्मार्ट ट्रेडर है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बाइंग करी है, तो आज हम उन स्टॉक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं और किस लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं। और हमारा देखिए, ये स्टॉक हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिटर्न बना के दे सकता है। तो इन स्टॉक्स को बिल्कुल मिस ना करें, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन आगे हम आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक्स है, किस लेवल पर बाइंग करना है और क्या हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं इस स्टॉक का, क्योंकि ये स्टॉक्स हम डिस्कस करें उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे हमारे शेयर मार्केट के वीडियोस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक का फर्स्ट स्टॉक्स, और इस स्टॉक का आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और ये है SBI का, सॉरी नीलकमल का चार्ट आप देख रहे हो, नीलकमल लिमिटेड। और ये चार्ट को आप स्टडी करोगे तो देखेंगे, तो यहाँ पे देखें एक इसने जो 2018-19 में जो यहाँ से हाई लगाया था कुछ यहाँ पे 2130 के आसपास, ठीक है, उसके बाद में एक अच्छी गिरावट आई और इसने बॉटम आउट हुआ था ये 1000 के आसपास। फिर इसने एक 31 का हाई लगाया था वो अराउंड कुछ 1 जुलाई 2021 में, उसके बाद में एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे देखेंगे एक बॉटम यहाँ पे बना है W पैटर्न का और एक अच्छी रिकवरी आई और यहाँ पे फिर से इसने 2023 में हाई लगाया 2800, लेकिन इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, तो यहीं से फिर से सेलिंग आई। तो ये एक मल्टीपल सपोर्ट हमारा बन चुका जो कि ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला लेवल, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेते हो ताकि क्या है ये वाला लेवल, अभी इस पे क्या हो रहा है भाई, ये देखिए ये वाला एक मल्टीपल सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक बार फिर से बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे देखिए कैंडल कितनी बड़ी बनी और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल, मतलब यहाँ पे बड़े FIs DIs लोग यहाँ पे एंट्री करे और एक वॉल्यूम के साथ में आए। अब यहाँ पे हमें एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे नीलकमल में 2100 के ऊपर जो कि आज का हाई है, यहाँ पे लास्ट फ्राइडे का, इसके हाई के ऊपर सस्टेन होता है निकलता है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला और सेकंड टारगेट आप ये लेके चल सकते हो, जो कि दोनों टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। 2100 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 2360 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 2775 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा
और स्टॉपलॉस की बात करूं तो 1850 का हमारा स्टॉपलॉस रहेगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको इस स्टॉक में एंटर करना है तो आप थोड़ा सा स्टॉपलॉस को छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक्स रहेगा चार्ट ऑफ द वीक का, वो रहेगा हमारा लिए SBI कार्ड का। यहाँ पे SBI कार्ड में हम देखें तो इस स्टॉक का जो पैटर्न बना है चार्ट पैटर्न, वो इस पैटर्न का आप नाम मुझे बताना, क्योंकि दोस्तों हर टाइम मैं बताता हूँ लेकिन कभी कभी आप ही मुझे कमेंट करके बताए या फिर नाम आप टाइप करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और वीडियो में हम लोग इस तरीके से आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो कुछ आप भी बताओ कुछ मैं बताओ तो उससे काफ़ी आप लोग का भी मोटिवेशन होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये इस स्टॉक का जो पैटर्न बना है वो पैटर्न का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा, और फिर आगे जो भी आपकी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा सेकंड चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक जो है वो हमारे लिए यहाँ पे SBI कार्ड का, SBI कार्ड लिमिटेड। इसमें देखिए इस स्टॉक्स में रैली हुई अच्छी खासी, और रैली होने के बाद में यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, ठीक है, और एक पैटर्न बना। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना आप, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मिला इसको, फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करता है ना तब तक इसमें एक बड़ी मूव नहीं दिखेगी, तो इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एक आएगा तो यहाँ से एक अच्छी मूव अप मूव देखने को मिल सकती है। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही शानदार ये स्टॉक्स आपको इस लेवल पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, और एक अच्छी बाइंग आई है, और यहाँ पे वॉल्यूम में भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे रडार में ये स्टॉक्स आया, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ रेकमेंड कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इस स्टॉक का हमारा टारगेट रहेगा SBI कार्ड में 730 के ऊपर निकलता है हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 780 का रहेगा, फाइनल जो टारगेट रहेगा हमारा सेकंड टारगेट 940, और फाइनल जो टारगेट है 1160 का रहेगा, जो कि ये वाला। और ये टारगेट को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर पेशेंस रख सकते हो तो ये टारगेट आप यहाँ पे नज़र में बनाए रख सकते हो, इसके ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया था एक दो महीने में आप ये टारगेट के लिए वेट करोगे, तो ऐसा नहीं है, फिर कमेंट करेंगे कि ये टारगेट नहीं मिला। आपको कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 680 का रहेगा ये स्विंग लेवल के नीचे। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा है। तो ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स मैंने दिया, तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो, जो कि 1160 के टारगेट के लिए। दोस्तों आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे मैं कुछ लाइव मार्केट में कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देता रहता हूँ, और आपको भी काफ़ी यहाँ पे एजुकेशन के लिए वो स्टॉक्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के मकसद से बनाया गया, इसमें मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग करने की। जो भी खरीदारी बिकवाली करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें, और खुद की स्टडी जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हर टाइम हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते रह सकते, क्योंकि ये चार्ट में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा है तो ही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका क्या लॉजिक है वो आप मुझे बताइए। इसका चार्ट का नाम मैंने आप लोग को बताया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, बता सकते हो। सॉरी, तो मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।